आज हम बनाएंगे बीट और छेने की टिक्की। इसके लिए लिया हमने बीट और आलू, इन्हें हमने ग्रेट कर लिया है। ये एक बीट और एक उबला हुआ आलू है। छेना ले लिया है करीब आधा कटोरी, नमक और काली मिर्च पाउडर, अदरक हरी मिर्च, एक महीन कटा हुआ प्याज, धनिया की पत्ती, इन सबको अब एक साथ मिक्स कर लेना है। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें। इन सबको हाथों से अच्छे से मिक्स करें। इनकी इस तरह की टिक्की के शेप में सारे बना लें। इन्हें इस तरह से शेप दे दें। ऐसे सारी टिक्की बना लें। ये इस तरह से तैयार हो चुकी है। गैस पे हमने तवा चढ़ा दिया है। तवा गर्म हो चुका है, अब इसमें ये डाल दें। गैस को धीमी आंच पे ही रखें। अब इस पे थोड़ा तेल डालें। एक साइड सिक जाए तो इन्हें पलट दें। हल्के हाथों से दबा दबा के इन्हें सेक लें। दोनों साइड अच्छी तरह से सेक लें। ये जितनी हेल्दी है खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है। लगभग ये सिक चुकी है। इन्हें बिल्कुल हल्के हाथों से पलटें। टिक्की रेडी हो चुकी है। गैस को बंद कर दें और इसे सॉस या हरी चटनी के साथ सर्व करें। बीट और छेने की टिक्कियां रेडी है। इसके ऊपर चाट मसाला डाल के इन्हें गर्मा गर्म सर्व करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, साथ साथ हेल्दी भी है।